हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम रेसिपी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आज की टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की कौन कौन सी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप्स है इस तरह से कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, किसी भी चीज़ का इस तरह से अगर आप लोगों के पास रायपर है, अगर आप लोग उसे फेंक देते हैं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आप लोग इसे फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसे आप लोग बहुत ही संभाल संभाल के रखेंगे, क्योंकि आज मैं जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यह टिप्स बहुत ही बेस्ट टिप्स है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी टिप्स है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोगों के पास कोई भी दूध की पॉलीथीन है, या इस तरह से सूप की, या इस तरह से नमकीन, यानी कोई भी आप लोगों के पास इस तरह से खाली पैकेट है तो आप लोग उसे फेंक देते हैं, तो आज से आप लोग इसे नहीं फेंकना, इसे आप लोग बल्कि संभाल के रखना। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारी किस चीज़ में यह काम आने वाली टिप्स है। फ्रेंड इस तरह से आप लोगों के पास कोई भी अगर कंटेनर डिब्बा है तो आप लोग उसे क्या करते हैं कि इसका ढक्कन लूज होने की वजह से आप लोग इसे फेंक देते हैं। पर आज जो मैं आप लोगों के साथ यह टिप शेयर कर रही हूँ, आप लोग आज से इस वीडियो को देखने के बाद नहीं फेंकेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो ये रायपर खाली है, हमें क्या करना है, इसके माउथ के सेटिंग का हमें अच्छे से इसे कट कर लेना है। पॉलीथीन को कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर से इस तरह से ढक्कन को लगा देना है, और ढक्कन को लगाने के बाद इसे अच्छे से हमें बंद कर देना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बंद करके दिखाती हूँ। अगर हमें इस तरह से कोई भी कंटेनर है उसमें हमें कोई भी सामान रखना है, अगर वह गिरने वाला सामान रहता है तो इस तरह से अगर हम लोग इसका ढक्कन लगाते हैं, अगर ये लूज रहता है तो उसमें से वो चीज़ गिरने लगती है। तो आज इस तरह से जो मैं आप लोगों के साथ यह टिप शेयर कर रही हूँ, इस तरह से आप लोगों के पास कोई भी रायपर खाली है तो आप लोग उसे फेंकेंगे नहीं, बल्कि इस तरह से आप लोग डिब्बा में इस तरह से लगा करके इसको टाइट करके अच्छे से बंद करके इसको आप लोग इस तरह से डिब्बे में यूज कर सकते हैं। तो यह बहुत ही बेस्ट टिप्स है फ्रेंड्स। आप कहीं भी इस तरह से डिब्बा अगर गिर भी जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इसमें से कोई भी सामान बिल्कुल गिरेगा नहीं, और कोई भी सामान अगर आप लोग इसमें रखते हैं तो आपका उसमें सीड़न आ जाती है, बारिश है, ठंडी है, कुछ भी है, तो कोई भी सामान अगर इस तरह से इसमें का ढक्कन अगर ढीला रहता है तो उसमें एयर जाती है, तो एयर जाने की वजह से वो चीज़ हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप लोग रायपर को लगा देंगे ढक्कन के साथ अच्छे से इसके मुंह पर, और इसे ढक्कन को अच्छे से कवर कर देंगे, तो ये आपका बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं जाएगी, और आपका सामान जो उसमें रखेंगे वो बिल्कुल एकदम सुरक्षित रहेगा। तो फ्रेंड्स कोई भी सामान अगर इस तरह से आप लोग डिब्बे में रखेंगे तो उसमें एयर ना जाने की वजह से वो सामान आपका सुरक्षित रहेगा। तो फ्रेंड्स इस टिप्स को आप लोग इस तरह से, अगर आप लोग के पास डिब्बा है अगर उसका लूज ढक्कन है तो आप लोग उसे फेंक देते हैं, तो आज इस तरह से आप लोग उसको यूज में ला सकते हैं। तो यह बहुत ही बेस्ट टिप्स है। तो आई होप फ्रेंड्स यह टिप्स आप लोगों को पसंद आई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स है मेरी फ्रेंड इस तरह से पैन को लेकर, अगर आप लोग उसमें कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि उसमें तड़के का, हल्दी का, किसी भी चीज़ का, वो जो है हमारा तेल की वजह से अच्छे से उसमें धुलने के बाद भी वो नहीं साफ़ होता है, इस तरह से साइड साइड में उसमें दाग लग जाता है, यानी कि वो देखने में बहुत ख़राब लगता है, तो आप लोग उसे कैसे छुड़ाएं। तो आज वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि आप लोग इस तरह से अगर पैन में, कढ़ाई में या तवा में किसी भी चीज़ में अगर इस तरह से दाग पड़ गया है, किसी भी तड़के का, तेल का, अगर आप लोग उसे छुड़ाना चाहते हैं, वो छूट नहीं रहा है, तो आज टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वह टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरी वीडियो पर इन तक बने रहिएगा। अगर आज की टिप्स आप लोग को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें पैन का ये हल्दी का दाग है या तड़के के दाग है तो हमें इसे कैसे छुड़ाना है, चलिए मैं आप लोगों को छुड़ा के दिखाती हूँ। अब इस तरह से पैन को हम इसके चूल्हा पे रख देना है, और गैस पे चूल्हा पे रखने के बाद हमें इसमें एक गिलास पानी को ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है और पैन में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक गिलास पानी को ऐड कर दिया है। अब पानी को हमें पैन में उबालना है, तो चलिए इसे हम उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है। अब इसके साथ मैं ऐड करूँगी यहाँ पे बेकिंग पाउडर।
तो फ्रेंड बेकिंग पाउडर जो क्लीनर का बहुत ही बढ़िया काम करता है या बहुत ही बेस्ट टिप्स है, आप लोग इस टिप्स को फॉलो करके देख सकते हैं। अगर पैन में तवा में कोई भी कसैलापन है, तेलीय है, हमारा ये क्लीनर का बहुत ही बढ़िया बेस्ट टिप्स है, आप लोग इस टिप्स को फॉलो करके देख सकते हैं। अब इसके साथ मैं ऐड करूँगी यहाँ पर आधा चम्मच विम वॉश। बेकिंग पाउडर और विम वॉश को मैं अच्छे से पैन में मिक्स करूँगी पानी के साथ में। तो इस तरह से मिक्स करते हुए हमें पैन में जहाँ पर भी हल्दी का दाग, तेलीय है, कसैलापन है, कुछ भी है, तो इस तरह से हमें चारों तरफ पानी को पैन में करते हुए इसे इस तरह से साफ कर लेना है। और विम वॉश और बेकिंग पाउडर को ऐसे ही पैन में 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड, इसमें जो भी हल्दी का दाग है, तेल का दाग है, कसैलापन है, कुछ भी है, वो सब सारी गंदगी को धीरे धीरे अच्छे से क्लीन कर रहा है। तो चलिए ऐसे ही पैन में मैं 5 से 10 मिनट के लिए पानी को ऐसे ही पैन में छोड़ देती हूँ। 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद बेकिंग पाउडर विम वॉश को गरम पानी ये जो है इस तरह से पैन में आप लोग जब कर देंगे तो ये देखिए इसमें का जो भी दाग है वो सारी गंदगी इसमें का एकदम से क्लीन हो से 10 मिनट में अच्छे से या हमारा पैन क्लीन हो जाएगा। तो चलिए 5 से 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को पैन को क्लीन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी पैन का जो भी गंदगी था वो अच्छे से साफ हो गया है। इसमें का जो भी तेलीय हैपन है, हल्दी का दाग है, तड़के का दाग है, वो सारी गंदगी आप लोग को पैन में दिख रहा होगा, सारा अच्छे से क्लीन हो गया है। मैं इस सोल्यूशन को अभी फेंकूंगी नहीं, चलिए इसे मैं कोई चीज़ और साफ़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पैन में से निकाल के सोल्यूशन को मैंने यहाँ पे कटोरी में इसे ऐड कर लिया है। अब इस तरह से आप लोग जो से बर्तन धुलते हैं वो क्या करूँगी मैं इसमें अच्छे से डिप कर दूँगी। तो ये ब्रश की भी जो भी गंदगी है, इसमें कीटाणु, जीवाणु, विषाणु या इसमें जो भी गंदगी है, इसमें अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए हम भिगा देंगे तो ये भी ब्रश हमारा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यह बहुत ही बेस्ट टिप्स है फ्रेंड्स, आप लोग बेकिंग सोडा से अच्छे से क्लीनर का काम कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा पैन भी अच्छे से साफ हो गया है। तो चलिए मैं इसे मैं पानी से साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पैन को जो है पानी डाल के अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन को अच्छे से धुल लिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसमें का जो भी गंदगी थी वो अच्छे से बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है, इसमें का कसैलापन सारा अच्छे से साफ हो गया है। तो बेकिंग पाउडर और विम वॉश जो है ये हमारा क्लीनर का बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो आप लोग इस टिप्स को फॉलो करके देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यह टिप्स आप लोगों को पसंद आई है। तो चलिए मैं चलती हूँ नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स है मेरी इस तरह से चाय वाले कप को लेकर। फ्रेंड्स अक्सर आप लोगों ने देखा है किसी के घर में अगर बच्चे होते हैं तो चाय पी के कप को कहीं भी इस तरह से छोड़ देते हैं और तुरंत हम कप को नहीं धुल देते हैं तो उसमें अजीब सी महक आने लगती है। तुरंत तो 1-2 दिन में नहीं उसमें फ़र्क पड़ता है, पर 1 हफ्ते के बाद उसमें आप लोग देखते हैं कि जब उसमें आप लोग चाय पीते हैं तो उसमें कप को धुलने के बाद उसमें अजीब सी महक आती है। तो आज उस महक को दूर करने के लिए मैं बहुत ही बेस्ट टिप्स लेकर आई हूँ। अगर उसमें अजीब सी स्मेल, खराब बेड स्मेल आती है तो आप लोग उस बेड स्मेल को दूर कर सकते हैं। तो कैसे दूर कर सकते हैं, टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग के कप से बेड स्मेल आती है तो आप लोग उसमें से बैड स्मेल को दूर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इस तरह से हमें तवा को गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तवा को गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस ये नॉर्मल गर्म होना चाहिए। अब इस तरह से हमें चाय वाले कप को इस तरह से हमें इसमें ऐड कर देना है तवे पर। और तवा पे ऐड करने के बाद हमें इस तरह से न्यूज़पेपर ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर को इस तरह से कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग कबाड़ से भी बहुत अच्छा जुगाड़ कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट टिप्स है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से सारे कप में न्यूज़पेपर को, कबाड़ को हमें ऐड कर देना है। तो चलिए हम अच्छे से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कप में अच्छे से न्यूज़पेपर को ऐड कर दिया है। अब न्यूज़पेपर को ऐड करने के बाद हमें इस तरह से लेना है कोई प्लेट, तो हमें सारे कप को इस तरह से ढक देना है। तो हमें 1 से 2 घंटे के लिए इस तरह से कप में न्यूज़पेपर को डाल के प्लेट से गर्म तवा पे इस तरह से छोड़ देना है।
तो फ्रेंड इस तरह से आप लोग न्यूज़पेपर को कप में ऐड करके इस टिप्स को फॉलो करके आप लोग अजीब सी आने वाली महक के कप को बैड स्मेल को दूर कर सकते हैं। अब बहुत ही बेस्ट टिप्स है, आप लोग इस टिप्स को फॉलो करके देख सकते हैं। तो चलिए सारे न्यूज़पेपर को मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। अब इस तरह से न्यूज़पेपर को निकालने के बाद आपको इस तरह से नॉर्मल साबुन और पानी से आप लोग को कप को धुल देना है। फ्रेंड्स जब कभी भी आप लोग के कप से इस तरह से अजीब से बेड स्मेल आती है तो आप लोग इस टिप्स को फॉलो करके देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट टिप्स है। आई होप फ्रेंड्स आज की टिप्स आप लोगों को कप के बेड स्मेल को दूर करने का बेस्ट टिप्स आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आज की टिप्स आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं चलती हूँ नेक्स्ट टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से खाली सिलेंडर पे आलू रख के देखा है? अब बहुत ही कमाल की टिप्स है, आप लोग इस टिप्स को जरूर फॉलो करना, या टिप्स आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि खाली सिलेंडर में आलू का क्या कमाल है। फ्रेंड इस तरह से जब आप लोगों के पास दो सिलेंडर होता है तो एक सिलेंडर हम यूज करते हैं और एक सिलेंडर जब खाली हो जाता है तो उसे हमें कहीं ना कहीं तो इस तरह से फर्श पे रखना ही पड़ता है। रखना तो पड़ेगा ही क्योंकि हमारे घर में सामान है तो उसे हमें रखना भी पड़ेगा। तो हम कैसे इसे रखें कि यह हमारा जो है सिलेंडर भी अच्छी तरह से रखा भी जा सके और जहाँ भी रखा जाए वहाँ का एरिया भी अच्छा से वह क्लीन रहे। तो आप लोग को क्या करना, आप लोगों ने देखा है फ्रेंड जहाँ पे आप लोग इस तरह से सिलेंडर को रख देते हैं तो वहाँ पे इस तरह से बुरी तरह से एकदम से जंग लग जाता है और जंग लगने के बाद वहाँ का एरिया जो है बिल्कुल एकदम से खराब हो जाता है और इसमें का जंग छुड़ाने के बाद भी फर्श को दाग छूटता नहीं है। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेस्ट टिप्स लेकर आई हूँ, आप लोग इस टिप्स को फॉलो करके देख सकते हैं। जहाँ पर भी इस तरह से आप लोग खाली सिलेंडर को रखेंगे बिल्कुल वहाँ का एरिया आप लोग का एकदम सुरक्षित रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है वो टिप्स। तो फ्रेंड्स आज की टिप्स है सिलेंडर को खाली रखने के लिए जिस जगह पे आप लोग अगर रखेंगे तो वहाँ की जगह एकदम से क्लीन रहे। तो इस तरह से आप लोग को लेना है आलू, तो आलू को हमें सबसे पहले कट कर लेना है। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक आलू को इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे कट करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से आलू को रख देना है। तो रखने के बाद इसे हमें लेना है इस तरह से फोक फोक से हमें क्या करना है, इसमें अच्छे से होल कर देना है। तो चलिए इसमें मैं अच्छे से होल कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें फ्रेंड अच्छे से होल कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स आलू में मैंने इस तरह से फोक से होल कर लिया है। होल करने के बाद इसमें जो भी जूस है वो आप लोग देख सकते हैं, फोक से होल करने के बाद इसमें से आलू का जूस निकल रहा है। अब जूस को हमें क्या करना है, इस तरह से नीचे वाले सिलेंडर के भाग में हमें अच्छे से रगड़ देना है। तो चलिए हम अच्छे से नीचे वाले भाग में रगड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्लीनर का बहुत ही बढ़िया काम करता है आलू। अगर आप लोगों को जहाँ भी सिलेंडर रखना है इस तरह से खाली सिलेंडर में आलू को चारों तरफ से इसका जो है जूस आपको लगा देना है। अगर आप लोग इस तरह से सिलेंडर में आलू का ये जूस लगा के रखते हैं तो जिस जगह पे आप लोग रखेंगे सिलेंडर का वो बिल्कुल एकदम वहाँ का एरिया आपका एकदम क्लीन रहेगा और जंग में या बहुत ही बढ़िया वर्क करता है आलू। अगर आप लोगों के पास सिलाई वाली मशीन है तो सिलाई वाली मशीन में आलू में इस तरह से तेल लगा के अगर सिलाई मशीन में इसका जूस लगा देते हैं तो आपके सिलाई मशीन में बिल्कुल भी जंग नहीं लगेंगे, आपका सिलाई मशीन जो है अच्छे से एकदम क्लीन रहेगा, जंग से उसकी बचत हो पाएगी। तो इस तरह से हमें सारे सिलेंडर में आलू के जूस को लगा लेना है नीचे से ऊपर तक। और लगाने के बाद हमें अच्छे से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसमें एक आलू का ये जो जूस है थोड़ा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, तुरंत हमें नहीं इसको सीधा करना है। तो चलिए इसे 4 से 5 मिनट के लिए आलू का जूस लगाने के बाद हम छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद सिलेंडर को हम सीधा करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू का जूस सिलेंडर में लगा के इसे ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद इस तरह से मैंने सिलेंडर को अब सीधा कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग अगर खाली सिलेंडर को जहाँ पर रखते हैं इस तरह से आलू अगर आप लोग उसका जूस लगा के रखते हैं तो जिस स्थान पे आप लोग इस तरह से खाली सिलेंडर को रखेंगे वहाँ पे जंग बिल्कुल नहीं लगेगा। यह बहुत ही बेस्ट टिप्स है आलू का। अगर आप लोग आलू सिलेंडर में इस तरह से जहाँ रखते हैं अगर उसका जूस लगा देते हैं तो बिल्कुल यह
जंग के लिए एकदम रामबाण नुस्खा है, तो आप लोग इस टिप्स को फॉलो करके देख सकते हैं। यह बहुत ही बेस्ट टिप्स है। आई होप फ्रेंड्स यह खाली सिलेंडर को रखने का बेस्ट आइडिया आप लोग को पसंद आया है। अगर आज का यह टिप्स आप लोग को पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।